प्रोफेसर हेमलता महेश्वर, डॉक्टर रतनलाल जी के साथ जाने माने लेखक, चिंतक और कार्यकर्ता नंद कुमार बघेल जी का इंटरव्यू अंबेडकर नामा के लिए कर रहे हैं। मारवाही भी है। मारवाही यहाँ चुनाव लड़ना है जी। तो मैं चाय पीते हुए एक तेरी था, तो वहाँ क्या बोलते हैं तेरी, लोग वहाँ बोलते हैं मारवाही नहीं नहीं। तो चाय पीते सीनी गांव में चाय पीते हुए मैंने पूछा कि क्या यहाँ अजीत जोगी जीतेंगे। बोला अजीत जरूर जीतेंगे साला, वो जरूर जीतेगा साला बोला। अच्छा। तो मैं बोला कि भाई एक तरफ जीतेगा बोलते हो और साला भी बोलते हो, तो कैसे होगा? तो साला क्यों बोलते हो और बीजेपी वाले उसको नकली आदिवासी क्यों कहते हो? तो उसने ये कहा कि उसके चार भाई हैं, वो लोग अपने आप को सतनामी लिखते हैं और केवल अजीत जोगी अपने को आदिवासी लिखते हैं, इसके कारण क्या है? तो उसने बताया कि ये उसकी जो पत्नी है वो कमर जाती है और बाप जो है अंजोर दास सतनामी है और इसलिए चार बेटे उसके सतनामी लिखते हैं और ये जो लिखता है अपने माँ के गोत्र पर आदिवासी लिखता है। तो उसका पता लिख के ले करके मैं वहाँ गया बिलासपुर और उनको उनके बड़े भाई से पूछा कि क्या आप लोग सतनामी हो? बोले हाँ हम सतनामी हैं, हमारे पिता अंजोर दास, और ये कैसे दिखता है कि मैं आदिवासी हूँ अजीत जोगी? वो माँ के गोत्र पर लिखता है और हम बाप के गोत्र पर लिखते हैं, इसलिए हम आदिवासी हम नहीं लिखते। तो मैं घर में आके पूछा अपनी पत्नी से कि अजीत जोगी सतनामी है, ये आदिवासी है अपनी माँ के गोत्र पर, तो वो 192 नंबर दोहा दीकर निकाल करके बताई। वो रामायण मेरे से ज़्यादा जानते हैं। अच्छा, मानस। वो 192 नंबर दोहा बालकांड का दिखाई और बोली कि अजीत जोगी सतनामी है, राम भी तो ऐसे ही हुआ ऐसा, क्योंकि उसकी माँ वो उसका सिंगी ऋषि का बेटा है और उसकी शांता जो है उसकी बहन दशरथ की बेटी, वो उसके साथ भाग गई और उसके द्वारा जो संतान हुआ वो उसको सिंगी ऋषि ने राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न को पैदा किया, ये वाल्मीकि रामायण में है। उसको सब मैं खोजबीन किया तो राम सबसे ज़्यादा षड्यंत्रकारी था। मंदिर बनने जा रहा है सर, और जो कमेंट दे रहे हैं वो आज भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कि राम ने देश को अनपढ़ बनाया, अछूत बनाया, संपत्तिहीन बनाया, शस्त्रहीन बनाया, तो पूरा रामायण में लिखा है ना, सुनो सकल रजनी चर जूता हमरे बहरी विविध विरोधा। रावण कहते हैं हे पहरेदारो कुटवारो सुनो, हमारा जो बैरी है इस देश में विदेश से आए हुए हैं, ये तेज सन्मुख नहीं करी लड़ाई, वे सामने होकर के लड़ते नहीं है, देख इसे बोले पूजाई पराई, बलवान दुश्मन को देख करके भाग जाते हैं, तिनकर मरने एक विधि हुई, उनके मरने का रास्ता ये है यज्ञ हवन तर्पण को में तुम बाधा पहुँचाओ, क्योंकि वो नागर जो के खाते नहीं हैं और यज्ञ हवन तर्पण के द्वारा वो खाते हैं और इसलिए उनको बाधा पहुंचाओगे तो भूख से मरेंगे और मैं उनको कुचल कुचल कर मार डालूंगा, ये फ्रंट पेज में है मेरा और तुलसीदास ने लिखा है, मैंने लिखा और रावण के द्वारा कहला है, वो विदेशी हैं
देश के बहुत बड़ा सच है ये उस वक्त का जो रावण के मुख से निकलवाया गया कहलवाया गया एक प्रति संस्कृति कितनी श्रमशील थी ये बताने का प्रयास उन्होंने किया। इससे तुलसीदास ने चाहे जितना बुरा किया हो पर ये एक काम कर दिया। मैं फ्रंट पेज में लिखा अपने किताब का नाम अरे सर अपनी अपनी किताब का नाम लिखिए एक बार रावण को मत मारो ब्राह्मण कुमार रावण नहीं ब्राह्मण कुमार तो मैं गलती से लिख दिया अरे पर है ना सर किताब का नाम तो यही है ब्राह्मण कुमार रावण को मत मारो। हाँ तो वो किताब ब्लैक में बिकती है मेरे पास फोटोकॉपी है सर उसकी फोटोकॉपी मेरे पास जैसे झारखंड में महिषासुर की लोग मनाते हैं ना उनके खिलाफ उन लोगों ने आंदोलन किया हमारे हमारे पुरखा है वो अगर आप लड़ेंगे तो हम एफ आई आर रावण के बारे में भी और महिषासुर के बारे में जेल गया था ना उसके कारण जेल का पूजा हो गया सर आपको इसके लिए जेल भी हुई थी कितने दिन क्या कैसे क्या हुआ 24 दिन जेल में रहा 24 दिन हाँ मैं बहुत लोग बोले कि जमानत में छूट जाओ तो मैंने तय किया जमानत और समय जितने दिन रखे मैं क्योंकि जेल जो है सबसे सुविधाजनक क्षेत्र है वहाँ बिजली का बिल नहीं पटाना पड़ता दवाई दारू का कोई खर्चा नहीं लिखने पढ़ने का समय पूरा समय चाहे जो लिख वहाँ कोई पकड़ता नहीं ना जेल में कहाँ पकड़े ये बहुत महत्वपूर्ण काम था सर आपका और मुझे लगता है कि हमेशा रेखांकित किए जाने योग्य काम होगा हमेशा मतलब कि जो इंटेलेक्चुअल क्लास है उस इंटेलेक्चुअल क्लास में इस किताब की हमेशा चर्चा होती रहेगी और मुझे लगता है कि डॉक्टर रतनलाल जी अपने अम्बेडकर नाम हमें जरूर उस वक्त चर्चा कराएंगे पक्का पक्का सर एक रिक्वेस्ट मैं भी करूंगा बाबूजी का जेनू में जो है एक प्रोग्राम करवाया जाए जेनू में बाबूजी के प्रोग्राम करवाए आप लोग हम लोग आएंगे जैसे आपने 25 तारीख को करवाया ना आप लोगों ने दिल्ली में दिल्ली में हम ही लोग ने किया था ना प्रोग्राम हाँ आपका भाषण हुआ था ना हम ही लोग इसके बाद आजमगढ़ में भी हम लोग मिले थे पूरा उत्तर प्रदेश में हर लोकसभा में अपनी सभा ले चुके काश्मीर कन्याकुमारी काश्मीर नहीं किया कन्याकुमारी से लेकर पूरे देश में मैं हर लोकसभा में सभा ली गुजरात में महाराष्ट्र में और दिल्ली में शिमला में हरियाणा पंजाब कश्मीर नहीं है क्योंकि वहाँ ठंडी में बर्दाश्त नहीं अच्छा अच्छा वैसे ये किताब बहुत महत्वपूर्ण है सर और चर्चा में आएगी जैसे जैसे लोग समझेंगे मेरी इच्छा है आपने उसको रेफरेंसेस के साथ लिखा है बहुत ऑथेंटिसिटी के साथ लिखा है केवल गप्पे नहीं है ऑथेंटिसिटी है उस किताब में। सर मैंने दिल्ली में ये पढ़ा था कि आप धर्मांतरण करने वाले हैं बड़ी संख्या में लोगों को लेकर तो उस कार्यक्रम का क्या रूपरेखा कुछ बता दीजिए। उसमें 3 लाख कुर्मी लोगों को इकट्ठा करने वाला था जी यहाँ रायपुर में और यहाँ के जो कुर्मी हैं विरोध किए और भूपेश ने उसको नहीं करने के लिए कहा। आगे योजना बौद्ध में भारत बनाना चाहता हूँ एक दूसरा दो दली शासन व्यवस्था चाहता हूँ तीसरा एग्रो बेस्ड इकोनॉमिक चाहता हूँ तो भारत के पास इतना पानी है इतना जमीन है कि एशिया के बाजार को हम कृषि से बांट देंगे। कल भूपेश जी कह रहे थे कि उन्होंने बहुत सारा काम कर रहे हैं किसानों को लेकर और वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं और काफ़ी कुछ कह रहे थे कल भाषण में उनका जो काम है तकरीबन 2-2.5 साल होने जा रहे हैं जी तो कितना नंबर देंगे आप इसको 100% 100% वाह ताली बजा दीजिए क्योंकि मैं जहाँ भी बोलता हूँ जहाँ भी जाता हूँ चाहे उत्तर प्रदेश हो बिहार हो
या शिमला हो, शिमला हो, सब जगह ये कहता हूँ कि पूरे देश को भूपेश में बनाना है, भूपेश मॉडल बनाना है। यदि कांग्रेस पार्टी घोषणा करे कि हम, यदि हमें राज्य करने का मौका मिलेगा तो हम इस तरह से भूपेश मॉडल को लागू करेंगे तो जीत जाएगा। एक सुने, हम लोग सुनते थे पहले गुजरात मॉडल भी था। गुजरात मॉडल सरदार पटेल और महात्मा गांधी के समय था, लेकिन अभी तो अडानी अम्बानी पूरे देश को खरीद रहे हैं ना उसको। तो अगर प्रधानमंत्री राहुल गांधी बना और मेरे कारण बना तो फिर हम उसको सजा देंगे। अडानी अम्बानी को, तू देश को खरीदने वाला कौन है, और उसको सजा देंगे कि तू देश को बेचने वाला कौन है। हम प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बनाए कि देश को भेज दो, तो प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बनाए कि चीन के सामने तुम सिलेंडर रहे। तो राष्ट्रीयकरण एजेंडे पर रहेगा बड़े पूंजीपतियों को, इंदिरा जी ने किया था बैंकों का राष्ट्रीयकरण। नहीं, हमारा मॉडल ये है कि आज तक के किसान जो है फर्स्ट स्टेज करता है, मतलब आलू पैदा किया, उसको खोदा, बाजार में बेचा औने पौने भाव, तो वो हम नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि कोल्ड स्टोरेज उसके हाथ में हो, गवर्नमेंट उसकी सहायता दे, और जब बाजार का भाव तेज हो तो वो बेचे और पूरे एशिया में वो बेचे, ये हम चाहते हैं। और एग्रो बेस्ड इकोनॉमिक चाहते हैं ताकि भारत एशिया का बाजार बन जाए, तो बेचने वाला बाजार बन जाए। अडानी अम्बानी तो आधा देश खरीद लिया है, तकरीबन बेच दिया है गया उनको। जब हमारा राज हो गया तो उनको जेल में डाल साले सामने कैसे खरीदा, वो पैसा आया कहाँ से? देश को खरीदने का पैसा कहाँ से? ये हम भेज कर सकते हैं, जैसे आज नंगा नाच वो अडानी मोदी कर रहा है, वैसा हम भी कर सकते हैं। देश को कब्जा करना है, दिल्ली हमारे हाथ में है, जैसे छत्तीसगढ़ में रायपुर हमारे हाथ में है, जैसे दिल्ली हमारे हाथ में है, उनको सजा नहीं दे सकते कौन होते देश को खराब में? तेरे पास आया कहाँ से पैसा? बहुत बढ़िया।